कि हमने बहुत अच्छी तरह भूनकर और केवल 15 मिनट में तैयार हो जाने वाला बैंगन का भरता तैयार किया है। बैंगन का भरता बनाना बहुत आसान होता है और खाने में सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम के लगभग बैंगन लिए हैं, साथ में मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ली हैं। बैंगन हमें देख कर लेना चाहिए डार्क पर्पल कलर का हो और बिल्कुल ऊपर से साफ़ हो, कोई भी छेद अगर होगा तो उसके काणा होने का डर है। अब हम बैंगन में इस तरह से कट लगा लेंगे और इसे थोड़ा सा अंदर तक चेक कर लेंगे कि कोई काणा ना हो या कीड़ा वगैरह ना हो। कभी कभी बैंगन अंदर से ख़राब निकलता है तो उसको भूनने के बाद जो है उसका कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। बस अब इस तरह से हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ हम बैंगन के अंदर अच्छी तरह से फंसा देंगे, इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और जो लहसुन की कलियाँ हैं वो भी अच्छी तरह से जो है भुन जाएंगी। ये देखिए मैंने लहसुन की कलियों को इस तरह से दोनों बैंगन के अंदर मैंने 5-5 6-6 लहसुन की कलियाँ इसी तरह से स्मोक करने के लिए दबा दी हैं। अब हम सारे बैंगन और टमाटर के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल जो है वो लपेट देंगे, इससे जो है उनकी स्किन जल्दी से ब्राउन भी हो जाएगी और वो जलेगी नहीं, अच्छी तरह से भुन जाएगा अंदर तक बैंगन। बस अब हमें एक एक करके सारे टमाटरों को और बैंगन को इस तरह से हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल ऑयल से कवर कर देना है। इसके बाद हम इन्हें गैस पर भूनने के लिए रख देंगे। बैंगन को भूनने के लिए हमें लगभग 15 से 20 मिनट तक का समय लगेगा और अच्छी तरह से बैंगन भूनकर तैयार हो जाएंगे। साथ में टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर देंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। मैंने एक जाली ली है जिस पे कि हम फुलका वगैरह सेकते हैं, उसके ऊपर मैंने धीरे से इन बैंगन को टिका दिया है। बस इस तरह से हम पलट पलट करके बैंगन को 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर और लो फ्लेम के ऊपर भूनते रहेंगे। हर 1-2 मिनट के बाद हमें बैंगन को इस तरह से पलटना है ताकि ये कहीं से जल ना जाए और सब तरफ से अच्छी तरह से भून कर तैयार हो जाए। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो टमाटर जो है मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और बैंगन को अभी हमें 5-7 मिनट तक का समय और लगेगा। बस इनके ऊपर की स्किन अच्छी तरह से काली हो जाए इसकी पहचान है कि बैंगन अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बैंगन भून गया है और साथ में इसके गार्लिक हमने बीच में दबाया था वो भी अच्छी तरह से भून गया है। बस अब ठंडा होने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और आराम आराम से इनकी स्किन जो है वो ऊपर से पील कर लेंगे। इनकी ऊपर से स्किन जो है वो अच्छी तरह से आराम से अपने आप ही उतरती चली जाएगी, हमें पानी का हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इन्हें पानी में धोएंगे तो जो इनका स्मोकी फ्लेवर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए कितने आराम से जो है बैंगन की स्किन उतर कर तैयार हो रही है। जब अच्छी तरह से बैंगन जो है इसकी स्किन सारी साफ़ हो जाएगी तब हम इसे अच्छी तरह हाथ से और चाकू की हेल्प से मसल लेंगे और इसका बिल्कुल एक पल्प बनाकर तैयार कर लेंगे। बैंगन का भरता बनाने के लिए इसका पल्प करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसे एक बहुत अच्छा लुक देने के लिए और बहुत अच्छा फ्लेवर बढ़ाने के लिए जो इसकी स्टेम थी यानी डंडियाँ थी उनके साथ ही लगी रहने दी है। एक बार आप इस तरह से भरता ट्राई करें, आपको पसंद ज़रूर आएगा। अब बस सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए हम अच्छी तरह से सारे बैंगन को पील कर लेंगे, उसके बाद इन्हें हाथ से दबाते हुए और टमाटरों को भी साथ में मैश कर लेंगे। लहसुन देखिए कितनी अच्छी तरह गल गया है। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैश होकर कुछ इस तरह से नज़र आएंगी और जो दोनों बैंगन की डंडियाँ थी वो इसके साथ में ही हैं। अब हम किसी भी फ्राइंग पैन या कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून के लगभग ऑयल लेंगे, सरसों का ऑयल ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, बिल्कुल 1/4 टीस्पून हम इसमें हींग डाल देंगे। इन खड़े मसालों का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 2-3 मैंने लाल मिर्च साबुत डाल दी है। 1 कप हम इसके अंदर अच्छी तरह से जो है प्याज को काट कर डाल देंगे। अब हमें इसमें टमाटर नहीं डालना है, साथ में मैंने अदरक हरी मिर्च और 5-7 लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया था वो भी हम इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून बस हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बैंगन के भरते के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते क्योंकि फिर उससे हमें बैंगन का फ्लेवर नहीं आता बल्कि मसालों का फ्लेवर आता है। मसाले अच्छी तरह भुन जाए और जले ना, इसके लिए मैंने 2-3 टेबल स्पून के लगभग पानी डालकर अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है। जैसे जैसे मसाला भूनता जाएगा ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आना स्टार्ट हो जाएगा।
मैंने इसके अंदर देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, इस वजह से भी इसका इतना सुंदर कलर आया है। अब हम 1 कप के लगभग फ्रोज़न या फ्रेश मटर इसमें डाल देंगे। अगर आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करें तो हमें उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है तो हम 1/4 कप के लगभग इसमें पानी डाल देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो मटर है वो अच्छी तरह से गल जाए और बहुत अच्छा भरते को फ्लेवर दे। बस अब इसे हम 2-3 मिनट तक ढककर पकाएंगे। मटर एकदम कच्ची है, मौसम की मटर है तो फटाफट से गल भी जाती है। ये देखिए मटर हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। इस समय मैंने एक मटर का दाना चेक किया है ताकि हमें पता लग जाए कि कहीं मटर अभी कच्ची तो ना हो। अगर इस समय ऐसा लगे कि मटर कच्ची है तो हम इसे 2 मिनट तक और पका सकते हैं। बस जो हमने अच्छी तरह से बैंगन को पल्प करके रखा था वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, साथ में उसकी दोनों स्टिक्स भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर काफ़ी जो है बैंगन का पल्प लगा हुआ होता है जिससे कि ये भरते को बहुत अच्छा लुक और फ्लेवर दोनों चीज़ देता है। अब भरते को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि सारे मसाले और बैंगन का भरता अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल ढककर लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि सब्जी के अंदर से ऑयल भी रिलीज़ हो जाए और ये बहुत टेस्टी भी लगे। इतनी देर मैंने इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। मैंने वैसे 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बैंगन के भरते को हम रोटी के साथ, फुलके, नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। दाल चावल के साथ भी बैंगन के भरते का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में भी और आपको खुद को भी ये बहुत पसंद आएगी। बस अब हम इसे ढककर 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे और ये देखिए कितना अच्छा बैंगन का भरता हमारा बनकर तैयार हो गया है। बस अब चाहें तो इसमें 1 चम्मच के लगभग मक्खन डाल दें, और मक्खन डालना पूरी तरह ऑप्शनल है लेकिन इससे इसका फ्लेवर काफ़ी एनहेंस हो जाता है। साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और हमारा बैंगन का भरता सर्व करने के लिए तैयार है। आप सबको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। और